Alright, a very good evening to all of you. Am I clearly audible and visible to you all? जी, आज हमारा जिंक्स बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन है आई एम वेरी गुड हाव यू चलें जी सो पहले मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ बायोटेक्नोलॉजी यूनिट इज

एक-एक चैप्टर में से दो-दो लगा लो ऑन एन एवरेज ठीक है तो बहुत ही कम वैल्यू का यूनिट था ये 2020 21 22 20 में 6 क्वेश्चंस हैं 5 से एक लेवल आगे 21 में बारह क्वेश्चन है, एग्जैक्टली डबल एंड 22 में यू गेट 9 क्वेश्चंस सो सडनली द बायोटेक्नोलॉजी यूनिट हैज टेकन अ एज ओवर आपके सेल से भी ज्यादा क्वेश्चन उसमें आने लगे तो अभी वो बायो मॉलिक्यूल्स वाला डीएनए आरएनए जेनेटिक्स वाला डीएनए आरएनए और बायोटेक्नोलॉजी वाला डीएनए आरएनए इज अ मोर पावरफुल यूनिट ऑल टुगेदर तो वॉकिंग द ट्रेंड हमारे पास एक्सपेक्टेशन है कि 2023 में भी 9 से लेकर 12 क्वेश्चंस आपके बायोटेक्नोलॉजी में से आएंगे ठीक है सो नाउ द वेटेज हैज सडनली इंक्रीज तो जितने लोगों को ऐसा लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी से तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं यू आर मस्ट टेकन एंड आप नोटिस करोगे कि जो आपके क्वेश्चन है तीन क्वेश्चन बरखूरदार ऐसे हैं जो एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर से उठ के आए हैं हु ऑप्शन वाइज लैंग्वेज वाइज तो आप अगर बारह क्वेश्चन आपके मैं मानती हूँ आठ मैक्स ट्वेल्व क्वेश्चन आएंगे बायोटेक्नोलॉजी से उससे ज्यादा तो नहीं आ सकते

टू बी कैलकुलेटिव इन आर अप्रोच की मिनिमम तुम पचास परसेंट भी कर लोगे तो भी यू आर एज ओवर अदर्स जिनको जीरो परसेंट आता है ठीक है फैक्ट्स और फिगर्स पे काम करना चाहिए हमेशा लाइफ में क्लियर है याद रहेगा चलो सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन लेट मी नो इफ ऑल ऑफ यू कैन सी माई स्क्रीन क्लियरली सबको स्क्रीन नजर आ रहा है ऑल राइट तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट डिस्कसिंग द ओके ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन प्लांट्स रेजिस्टेंट टू अटोड

पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया कैसे कि उसकी प्लांट की सेल के अंदर ऐसे जीन्स डाल दिए ऐसा डीएनए डाल दिया जिससे अगर टोबैको को इन्फेक्ट करने के लिए मिलेडोगाइन आता भी है तो वो अपना टॉक्सिन बना नहीं पाता वो पूरा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके अपना प्रोटीन बना नहीं पाता क्योंकि जब भी वो मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया टोबैको की बॉडी के अंदर अपना ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाता है तो उसके एम को साइलेंस कर दिया जाता है उसको चुप करा दिया जाता है उसे बिठा दिया जाता है इंटरफेरेंस करके एंड ये आर इंटरफेरेंस कैसे करी जाती है कि जो जीन हम डालते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए हम जीन डालते हैं वो दोनों तरीके के स्ट्रैंड बनाते हैं आर के सेंस भी और एंटी सेंस भी और उस तरीके से आर इंटरफेरेंस करके एम साइलेंसिंग करके वो आपके नीमा टोड को टॉक्सिन बनाने नहीं देता so both sense and anti sense is this thing clear one concept of application of biotechnology tobacco plant ठीक next the first clinical gene therapy was given for इस पर भी बहुत question आए कि gene therapy क्या है कि अगर मेरी body में कोई disease है जो genetic disease है और अगर मैं उसको cure करना चाहती हूँ तो पहली बात तो पैदा होने के बाद उसे परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते क्योंकि एक बार मेरी बॉडी फुल्ली डेवलप्ड हो गई फुल्ली डिफरेंशिएटेड हो गई बच्चा पैदा हो गया तो अब उस सेल को आप बदल नहीं सकते जब भी नया सेल पैदा होगा या बॉडी में सेल डिवीजन होगी तो वैसे ही जेनेटिक मेकअप के साथ होगी आप जाके पुरानी लाइफ में एम्ब्रियोनिक लाइफ में उसे चेंज नहीं कर सकते

तो हर बार मुझे उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करना पड़ेगा इसीलिए जो पहली जीन थेरेपी दी गई थी एक लड़की को एक फोर ईयर ओल्ड गर्ल को जिसको अडिनोसाइन डी एडीए डेफिशिएंसी थी जो कि डब्ल्यू बी सी के अंदर एंजाइम होता है जो इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है अगर वो जीन डिफेक्टिव वो एंजाइम ना बने तो इम्यूनिटी कम होती है एंड ऐसे केसेस में इंडिविजुअल की डिजीज का नाम होता है सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम सो so, ये फर्स्ट जीन थेरेपी स्किड पेशेंट पेशेंट को को एक एडीए डेफिशिएंट दिया गया था एंड इसके अंदर डब्ल्यू बाहर निकाले गए थे उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था उनके अंदर एक जीन डाला गया था जो कि ये इंजाइम बनाए क्योंकि ये सेल्स की लाइफ सिर्फ बीस दिन की होती है तो हर बीस दिन बाद ये रिपीट करना पड़ता था ठीक है सो विच वॉज द जीन थेरेपी गिवन फॉर इट वॉज गिवन फॉर अडीनोसाइन डी एमिनेस डेफी नेक्स्ट Which one of the following represents the palindromic sequence in DNA? इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा गया है सेम ऑप्शंस। देखो पैलिंड्रोम क्या होता है व्हिच रीड्स सेम फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक ओरिएंटेशन है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम G A A T T C 5 प्राइम टू 3 प्राइम G A A T C C ओरिएंटेशन इज सेम 5 प्राइम टू 3 प्राइम बात अलग है कि डीएनए में ये ओरिएंटेशन इस तरीके से होती है कि एक जो स्ट्रैंड होता है दूसरे के एंटी पैरेलल होता है बट पैलिंड्रोमिक में व्हेन वी रीड वी रीड इन द सेम ओरिएंटेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम G A A T T C G A A T T C व्हिच इज अ रिकॉग्निशन साइट फॉर योर इकोर 1 एंजाइम गेट इट नेक्स्ट बायोलिस्टिक जीन गन हम बोलते हैं कि अगर मैंने कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया है माने मैंने कोई एक डिजायर्ड डीएनए को एक वेक्टर के साथ जोड़ दिया है अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया अब मुझे इसे होस्ट सेल में डालना है कैसे डालू? तो जो मेथड्स होते हैं होस्ट सेल में डालने के लिए उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं हाउ टू मेक द होस्ट सेल कॉम्पिटेंट की उसमें ये मैं कॉम्पिटेंट जीन डाल दू ताकि होस्ट सेल कॉम्पिटेंट हो जाए तो वो मेथड्स में से एक मेथड जीनगन मेथड है जिसमें हम गोल्ड या टंगस्टन किसी इनर्ट पार्टिकल के ऊपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कोट कर देते हैं और फिर धड़ाके की उसको जोर से मारते हैं जो हम यूजुअली कौन से सेल्स के लिए करते हैं प्लांट सेल्स के लिए करते हैं सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स स्पेशली एनसीईआरटी में लिखा है कि जीन गन मेथड किसके लिए किया जाता है प्लांट सेल्स के लिए किया जाता है एनिमल सेल्स के लिए हम पैथोजन या फिर इलेक्ट्रोपोरेशन यूज करते हैं ठीक है Next. In the are used. हम में, को क्यों यूज करते हैं हमारे पास एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है ठीक है जो कि सिलेक्टेबल मार्कर की तरह एक्ट करता है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो सिलेक्टिबल मार्कर की तरह एक्ट करता है इज अ पार्ट ऑफ अ वेक्टर ठीक है वेक्टर जिससे हम फॉरन जीन को जोड़ते हैं क्या फायदा होता है सिलेक्टेबल मार्कर का जो कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एक्ट करता है यह हमें पता लगाने में मदद करता है कि मेरा जो वेक्टर है उसमें फॉरेन जीन जुड़ा जुड़ा है है या नहीं ठीक तो अगर वेक्टर में फॉरेन जीन जुड़ा होता है तो फिर वेक्टर के जीन काम नहीं करते ठीक है और अगर वेक्टर के अंदर जिस जीन को मैं चुनती हूँ कि मैं देखूंगी ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा वो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है तो मान लो अगर फॉरेन जीन उससे जुड़ गया तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन काम नहीं करेगा और एंटीबायोटिक में या एंटीबायोटिक मीडियम में अब ये वाला जो जीन जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास है वो मर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक का यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में सिलेक्टेबल मार्कर के रिस्पेक्ट में किया जाता है कि ये जीन जिनके पास होगा रेजिस्टेंस वाला वो तो जिएंगे और जिनके पास नहीं होगा वो मर जाएंगे इनके पास फंक्शनल जीन होता है जिनमें फॉरेन जीन जुड़ा नहीं होता जिनमें फॉरेन जीन जुड़ जाता है उसमें जो वेक्टर है जिसके साथ वो फॉरेन जीन जुड़ा है उसका होस्ट सेल मर जाता है तो टू चेक वेदर इट इज अ ट्रांसफॉर्म अ नॉन ट्रांसफॉर्म या रिकॉम्बिनेंट और अ नॉन रिकॉम्बिनेंट ठीक है टू एज सिलेक्टेबल मार्कस या टू सिलेक्ट हेल्दी Vectors. अब इन दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना है ठीक है एस सीक्वेंस नहीं जहां से रेप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो ओ आर आई होता है इन्फेक्शन फ्री भी नहीं आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करते हो इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इज यूज एज अ सिलेक्टेबल मार्कर बट एंटीबायोटिक्स इन द मीडियम आर यूज्ड टू सिलेक्ट वेक्टर्स विच आर हेल्दी एंड विच आर नॉट हेल्दी तो वेक्टर को सिलेक्ट करना की किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है किसमें नहीं हुई वो हमें एंटीबायोटिक में हेल्प करते हैं। तो so, दो में कंफ्यूजन हो सकती है चूज करेक्टली नेक्स्ट विच ऑफ दी टी क्रॉप वज बी टी हिस्टर स्टैंड फॉर एनीबडी कैन टेल मी अगर मैं बोलती हूँ कि ये बी क्रॉप है ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है ये बीटी क्रॉप है तो इसमें बी क्या सिग्निफाई करता है टिक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वंडरफुलस ये एक बैक्टीरिया है एक बैक्टीरिया जिसके अंदर एक प्लाजमिड होता है यू नो बैक्टीरियाज ऑफ प्रो कैरियोटिक सेल

जो टॉक्सिन बनाते हैं डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट के लिए ये बीटी टॉक्सिन किस किस इंसेक्ट को मार सकता है ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को हम बोलते हैं लेपिडोटर को मार सकता है कोलियोपटेर को मार सकता है और डायपटेर को मार सकता है आपको ये तीनों इंसेक्ट्स के ऑर्डर्स पता होने चाहिए ऑर्डर डायप्टेरा, जिसमें हम बोलते हैं हमारे सारे मॉस्किटोज आते हैं कैन यू टेल मी लेस और कोलियोपटेर में कौन कौन आते हैं टिक टिक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये कोलियोपटेर कौन होते हैं ये लेपिडोटेर कौन होते हैं जल्दी 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 बेटा ये जो बटरफ्लाई मॉथ्स होते हैं ये लेपिडोटेर होते हैं जो ये बीटल्स होते हैं ये कोलियो होते हैं ठीक है थीके? याद रहेगा? नेक्स्ट अब वो बोलते हैं ऑफ द द फॉलोइंग बीटी इज इन इंडिया बाय फार्मर तो हम बोलते हैं बीटी कॉटन हम ग्रो करते हैं और कॉटन को हमने कॉटन बोलव के अगेंस्ट एक बटरफ्लाई वाला लेपिडोटेरन टाइप वाला उसके अगेंस्ट बनाना है ठीक है बीटी ब्रिंजल भी बनाया गया था बट क्योंकि ब्रिंजल हम भी खाते हैं तो वो टॉक्सिन हमारी बॉडी में भी एक्टिवेट होके हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है इसलिए अब हम बीटी ब्रिंजुल को डिटेल अब हम उसको कल्टिवेट नहीं करते ओके नेक्स्ट okay? अ डीएनए फ्रैगमेंट जेनेटेड बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहले तो पता करो की जो रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस है ये क्या बला है न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड काटने वाला एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस मैंने कहीं अंदर काटने वाला ज द रिस्ट्रिक्शन मीन रिस्ट्रिक्शन डीन एट स्पेसिफिक साइट ठीक है अगर आप एनसीआर टी खोल के देखो तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो आपके प्रो कैरियोटिक सेल्स है सिर्फ उन्ही में आपको ये रिस्ट्रिक्शन इंजाइम मिलते हैं ये रिस्ट्रिक्शन इंजाइम क्या है जो किसी वायरस या फॉरन पार्टिकल को बैक्टीरिया में आने से रोकते हैं अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दो तरीके थे एक जो मिथाइलेशन करते थे दूसरा जो किसी के डीएनए को या आरएनए को काटते थे सो so, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए आरएनए को काटते थे उनका नाम दिया गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्स सो इफ अ क्वेश्चन कम्स व्हाट वॉट रिस्ट्रिक्शन मीन्स इट इज नॉट अ स्पेसिफिक साइट रिस्ट्रिक्शन मीन्स टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ अ पैथोजन इन अ बैक्टीरियल सेल्स बिकॉज दीज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल्स ठीक है जब हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्स से कट लगाते हैं तो कट हमेशा किस साइट पे लगता है रिकॉग्निशन साइट पे जो पैलेंड्रोमिक होती है एंड उससे ब्लंट और आपके स्टिकी एंड्स दो तरीके के एंड्स बन सकते हैं जिसपे क्वेश्चन भी आता है कि कौन ब्लंट एंड्स बनाते हैं कौन स्टिकी व्हाट आर स्टिकी एंड्स अगर मैं बोलू जिसके पास डैश है उसके पास स्टिकी एंड्स है सो कैन यू फिल इन ब्लैंक कि जब हम रिस्ट्रिक्शन एंडो से किसी भी न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं तो डैश बनते हैं वो डैश स्टिकी एंड्स की तरह एक्ट करते हैं क्या बनते हैं टिक टिक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अनप्योजन ठीक तो अब जब हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं रिकॉग्निशन साइट पे कट करते हैं जो की एक पैलेंड्रामिक सिक्वेंस है जो की स्टिकी एंड ब्लंट एंड बनाती है हमारा पर्पस क्या है काटने का कि पूरे डीएनए में से बस जो मेरा डिजायर डीएनए उसको मैं काट के निकाल लूं पर निकालने के लिए मुझे उसको सेपरेट भी करना पड़ता है वो हम किससे सेपरेट करते हैं किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो छोटा सा डीएनए एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए किस मेथड से की जाती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ठीक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से तो मैं उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाती हूं ओके नेक्स्ट तोड़ना पड़ेगी। उसकी तक न, को निकालने के लिए तो वो सारी इंजाइन मुझे पता होने चाहिए कि किससे तोड़ूंगी सेल मेंब्रेन किससे तोड़ूंगी न्यूक्लियर में ताकि डीएनए को उठा सकूं चिल्ड इथेनॉल डाल के डीएनए को प्रेसिपिटेट करते हैं उसके लिए पहले बाकी सारी लेयर्स को काटना पड़ेगा जो कि इंजाइन काटते हैं प्लांट सेल की, सेल की बनी होती है, तो हम यूज करते हैं सेल्युलेस फंगस की सेल को तोड़ने के लिए हम इंजाइन यूज करते हैं लाइजोजाइन स्पेशली बैक्टीरिया के लिए ठीक है तो फंगस के लिए काइटिनेज है ठीक है प्लांट के लिए सेल्युलेस है ठीक है बैक्टीरिया के लिए लाइजोजाइन है एलगे के लिए भी तो सेडुलेज ही यूज करेंगे बिकॉज एल्गे भी तो प्लांट है तो ये गलत हो जाएगा ओके किससे बाहर निकालते हैं चिल्ड एथेनॉल से और उस मेथड को क्या बोलते हैं स्पूलिंग नेक्स्ट द कॉलोनीट बैक्टीरिया पहले तो समझो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया से यहाँ पे मतलब क्या है बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो कि होस्ट सेल की तरह एक्ट कर रहे हैं जिसमें मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है तो पता होना चाहिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या बला होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए दो चीजों का जोड़ होता है एक आपका वेक्टर जो कि कैरी करेगा आपके डिजायर्ड जीन को तो जब डिजायर्ड जीन को वेक्टर से जोड़ देते हो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है फिर इसको किसी होस्ट सेल में डालते हो यूजुअली एक बैक्टीरिया ही होता है वो तो जो बैक्टीरिया के अंदर आपने ये एक वेक्टर को मॉडिफाई करके डाला है उसको हम रिकॉम्बिनेंट होस्ट या बैक्टीरियल सेल बोलते हैं तो इसका मतलब जो वेक्टर के अंदर सिलेक्टेबल मार्कर होगा जिसके अंदर मैंने फॉरेन जीन ऐड कर दी है इंसर्शन से उनका जो सीक्वेंस है वो बदल जाएगा और वो काम नहीं करेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगी तो स्पेशली जिसमें हम ऐसा वेक्टर यूज करते हैं जिसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के ऊपर बेस्ड है कलर चेंज शो कर सकता है तो जब वो नॉर्मल होता है उसमें कोई फॉरेन जीन नहीं जुड़ा होता तो वो कलर बनाता है पर अगर उसमें फॉरेन जीन जोड़ देते हैं तो वो कलर नहीं बनाता तो वो जो बिना कलर की कॉलोनीज होती है बैक्टीरिया की इसके अंदर आपका जो वेक्टर है वो मॉडिफाई हो चुका है उसका एंजाइम काम नहीं करता कलर नहीं बनाता तो कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपियर वाइट in contrast to blue because of insertional activation of galactosidase in recombinant bacteria insertional inactivation of galactosidase in recombinant bacteria now ab isme alpha aur beta yahan pe mention nahi hai theek hai तो स्पेशली इंसर्शनल इनएक्टिवेशन दिया हुआ है तो हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को answer आंसर than ओनली इन एक्टिवेशन ये बात और ये बात कुछ खास फर्क नहीं है बस इसमें insertional inactivation word तो हम इसको बेटर मानेंगे विनल प्रोपोगेशन इन प्लांट्स इन विट्रो माने आर्टिफिशियल क्लोन बनाना माने माइटोसिस से दोबारा दोबारा डिवाइड करके प्रोपगेट करना पूरा प्राण बनाना माइक्रोप्रोपिगेशन टिश्यू कल्चर एक तरीके से मल्टीपल कॉपीज बनाना और मल्टीपल कॉपीज़ अभी आपको बताया किस प्रोसेस से बनाते हैं चेन रिएक्शन से तो जिसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट द फर्स्ट ह्यूमन हॉर्मोन प्रोड्यूस्ड बाय डीएनए टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इंसुलिन एलाइली लिली मेथड से जब हम पॉलीपेप्टाइड ए और पॉलीपेप्टाइड बी को आर्टिफिशियली लिंक करते हैं इन इंसुलिन जिसको हम ह्यूमिलिन भी बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसुलिन विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फैक्टर ऑफ डीएनए जिसको हम बोलते हैं कि हाँ वो छोटा सा ही डीएनए को कॉपी कर सकता है स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए ये सब वेक्टर्स है

इन चारों में से आपको मालूम होना चाहिए कौन सा ऐसा है जो बहुत छोटा डीएनए कैरी करेगा जो बहुत बड़ा डीएनए कैरी कर ही नहीं सकता right? तो कैरी करने के लिए आपको पता होना चाहिए किसमें कितनी कैपेसिटी है हीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम कॉज्मेट प्लाज्मेट तो, तो प्लाज्मेट जो होता है वो बड़ा सा एक जिसमें हम दो तीन सकते हैं एक तरीके से क्या होता है इट्स अ साइट ऑफ वायरस और प्लाज्मिट का तो कॉम्बिनेशन करते हैं उसमें बहुत सारे स्टिकी एंड बन सकते हैं ठीक तो इसीलिए हम उनमें भी बहुत सारे जीन ऐड कर सकते हैं एक छोटा फ्रैगमेंट नहीं तो अब मेरे पास बचता है या तो आर्टिफिशियल क्रोमोजोम या फिर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ठीक है तो अब इनमें से हम किसको ऐड करेंगे ये भी बहुत बड़े बड़े हैं तो ये तो सारे ही बड़े बड़े हो गए इसमें तो हम ह्यूमन जीनोम भी कर सकते हैं इसमें मल्टीपल साइट्स हो सकती हैं इसमें भी मल्टीपल साइट्स होती है तो चारों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट हम बोलते हैं कि प्लाज्मेड है जो सबसे छोटा कैरी करता है ठीक है यीस्ट ह्यूमन जीनोम के लिए बड़ा कर सकता है बैक्टीरिया भी ह्यूमन जीनोम के लिए बड़ा कर सकता है

इट्स जस्ट दैट कॉपी करना जब हम डीएनए को कॉपी करते हैं तो उसको हम सर्दन ब्लॉटिंग बोलते हैं ठीक है सो इट्स अ ब्लॉटिंग टेक्निक जब हम उसको कॉपी कर लेते हैं तो फिर हम उसे किसी जीव के साथ जोड़ भी सकते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए पहले उसे कॉपी करना पड़ेगा फिर उसको किसी और के साथ जोड़ोगे ठीक है और फिर उसकी रेडियोग्राफी करोगे क्लियर सो इट्स अ मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए विद प्रोब्स सो दैट

किस बैक्टीरिया को यूज किया था एज अ होस्ट सेल किस बैक्टीरिया के प्लाज्मेट को यूज किया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक टिक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अच्छा रियलाइज यहाँ पे तो लिखा था कि किसको यूज नहीं करते हैं तो अगेन किसको यूज करते हैं किसको यूज नहीं करते ब्लॉटिंग को यूज करते हैं रेडियोग्राफी को यूज करते हैं पीसीआर को यूज़ नहीं करते ठीक है इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऑब्वियसली एक्सट्रैक्शन तो हमेशा हर किसी में करेंगे तो प्लीज ध्यान रखना किसको बोल रहे हैं यूज करते हैं किसको यूज नहीं करते ब्लॉटिंग यूज करते हैं रेडियोग्राफी यूज करते हैं बट पीसीआर यूज नहीं करते हैं उसको एक्सपैंड नहीं करना है हमें ओके यस प्लीज यू वर टेलिंग मी द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए हर्बर्ट स्पेंसर और हर्बर्ट बोया एंड कोहेन जिन्होंने हमारा पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था और उन्होंने साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम यूज किया था इकोलाई यूज किया था प्लीज ये जो फैक्ट्स आपकी एनसीईआरटी में टी है इनको भूलना नहीं है अदरवाइज वॉट विल हैपन कि हमारे जो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है उनके आंसर हमसे छूट जाएंगे ठीक नेक्स्ट द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ कौन है जो डीएनए को काटता है रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस तो किसकी डिस्कवरी हुई थी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की दो टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक जो मिथाइलेशन करते हैं दूसरे जो न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं तो हीमोफिलस हिमोफिल नहीं है फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम प्लीज करेक्ट योर सेल्फ गोल्डन राइस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जीएमओ जिसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप भी जिसको हम बोलते हैं जिसके अंदर हमने कौन सा डीएनए डाला था या कौन सा जीन डाला था जो क्या बनाते हैं इंट्रोडक्शन इंड्यूसिंग डीएनए टी आई डीएनए ये ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए किसका प्लाज्मेड होता है ये एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमी फेसियंस बैक्टीरिया का प्लाज्मेड होता है जिसको हम यूजुअली प्लांट्स के अंदर एज अ वेक्टर यूज करते हैं क्लोनिंग वेक्टर

और घुमाने के लिए एक मिक्सचर भी एक स्टरर भी है उसमें नीचे गोलाई होती है ठीक है ये किस लिए डिजाइन होता है स्टर्ड और स्पार्ज दोनों में चीजें अलग होती हैं प्योरिफिकेशन तो हर किसी में करी जाती है स्टर्ड में भी करी जाती है स्पार्ज में भी करी जाती है ठीक है तो इसमें हम पूरा उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो न्यूट्रिय हो तब हम काम करते हैं So, उसको डिजाइन इसलिए किया गया है कि थ्रू आउट द प्रोसेस हम उसको क्या करें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूट्रिय करें क्या सो इट इज डिजाइन फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्रोसेस और हम बैचेस में इसको बनाते हैं ठीक है तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन नहीं करते हैं क्योंकि हम use करते हैं जो होते हैं। ये और प्रिजर्वेशन जो है अब फॉरन डीएनएमे कट बाई दिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन बी ज्वाइन दो डीएनए कटे हुए दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे लाइगेज यूज करेंगे ठीक है करेंगे 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 ठीक है बेटा से तो प्रोटीन बनाते हैं तो वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से पहले किया जाता है ठीक है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में एक्सप्रेशन नहीं होता एक्सप्रेशन हो गया प्रोटीन बन गया उसके बाद जो काम करते हैं उनको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं बनने के बाद उसको रिमूव करना उसको प्योरिफाई करना उसको प्रिजर्व करना ये सब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आता है एक्सप्रेशन नहीं ठीक है ऑफ द फॉलोइंग ब्लंट ब्लंट देखो का मतलब क्या होता है कि मान लो ये तुम्हारा डीएनए है मैंने उसे इस कदर कट किया कि जब मैंने उसे कट किया तो कोई अनप्योजनस बेसिस नहीं बने उसके दो हिस्से बन गए बराबर बराबर और दोनों ऐसे थे कि दोनों पेयरड थे कोई भी अनपेयर्ड सेगमेंट नहीं था ये ब्लंट एंड्स होते हैं स्टिकी एंड्स कैसे होते हैं कि मेरे पास एक ऐसा डीएनए है जिसको जब मैंने उसके दोनों स्ट्रैंड्स को काटा तो मैंने इस तरीके से काटा कि उसको भी इधर से काटा उसको भी इधर से काटा और कट करने के बाद क्या हुआ मेरे पास अनपेयर्ड सेगमेंट्स बने ये एक अनपेयर्ड सेगमेंट बन गया इसके पास कोई भी आगे ऊपर बॉन्डिंग नहीं है और दूसरा जो इसका सेगमेंट बनेगा उसके पास भी अनपेयर्ड सेगमेंट बनेंगे कि इसके पास भी नीचे बाउंडिंग के लिए कुछ नहीं है सो so ये जो अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं दे फॉर्म स्टिकी एंड्स एंड इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू कट अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर अगर सेंटर में काटोगे तो ब्लंट एंड आएंगे बट अगर लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर काटोगे तो स्टिकी एंड्स आएंगे एंड कौन है जो ये आपके ब्ल प्रोड्यूस करता है करता करता है 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 ठीक पर दिया जो कि आपके प्लाज्मिट इकोर वन वाले प्लाज्मिट के अंदर पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू में भी है हिंडी टू ब्लेंस प्रोड्यूस करता है हिंडी थ्री स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है यहाँ पे आंसर होगा इकोर e

ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ रहे हैं कौन सा हार्मोन सबसे पहले बनाया इंसुलिन इंसुलिन में क्या हमने लिंक किए दो पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टेन्स ए और बी कैसे लिंक किए डाइसल्फाइड से कौन से को रिमूव करते हैं सी पॉलीपेप्टाइड को तो इंसुलिन पे क्वेश्चन है मोरोलेस बीटी पे क्वेश्चन है ठीक है रिस्ट्रिक्शन एंडो एंडोन्यूक्लियस पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्लाज्मिक्लाज्मिट वेक्टर के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन है सिलेक्टेबल मार्कर के ऊपर क्वेश्चन है कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है नहीं वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है प्लाज्मे ट्रांसफर कर सकते हैं सर्कुलर होता है, है, तो है. है यूज करते हैं हायर टेम्परेचर पे भी स्टेबल होता है क्योंकि हम इससे एक ऐसे बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं जो हायर टेम्परेचर में रहने के लिए अडेप्टेड होता है थर्मस एक्वा टिकस अगर आपको नेमिंग आती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंजाइम्स की तो आप आराम से बता सकते हो कि टैक थर्मस टी फ्रॉम जीनस ए क्यू फ्रॉम फर्स्ट टू स्पीशीज विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इफेक्टेड टोबैको पे क्वेश्चन आते हैं रूट Which of the following is there? not required for any of the techniques of DNA fingerprinting available at present? Polymerase chain reaction, Zingger finger analysis, restriction enzyme, DNA hybridization। देखो जब हम करते हैं DNA fingerprinting तो आपको भी मालूम है पहले उसको कट, पहले पूरा का पूरा DNA isolate करते हैं। बाल लिया, बाल के cell में से आपने पूरा DNA isolate किया, कट किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसे separate किया। उसके जो आपके छोटे-छोटे वो जो सैटेलाइट डीएनए या आपका रिपीटेटिव डीएनए आपका वीएनटीआर है उनको उठाया उनको पीसीआर किया फिर पीसीआर करने के बाद उसको एक्सपैंड करके स्टडी किया फिर उसको सर्दन ब्लॉट करके शीट पे लिया और फिर हाइब्रिडाइज किया किसी और के साथ तो ये हाइब्रिडाइजेशन हम करते हैं काटते भी हैं पीसीआर भी करते हैं ये ज़िंगर फिंगर एनालिसिस में यूज करते हम ठीक है हम ऑटो रेडियोग्राफी यूज करते हैं

आपकी कट ऑफ दी एंडोन्यूक्लिएज करेंगे एट रिकॉग्निशन साइट व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रैगमेंट मूवमेंट ऑन एगरोस जेल हम ये क्राइटेरिया यूज करते हैं कि डीएनए एक एसिड है वो नेगेटिव चार्ज लेगा अगर मैं उसको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डालूंगी तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा व्हाट इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कॉल्ड इज इट कॉल्ड कैथोड और इज इट कॉल्ड एनोड टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 Eight, nine, ten. क्या बोलते हैं हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्योंकि हमारा नेगेटिवली चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं कैथोड बोलते हैं कि एनोड बोलते हैं अगर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो हमें कौन से इलेक्ट्रोड पे डीएनए मिलेगा जो हमें चाहिए जिसको हमने काटा है हमें एनोड पे मिलेगा कि हमें कैथोड पे मिलेगा एनोड प्रिया हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करते हैं ना तो उल्टी हो जाती है प्रायरिटी कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है तो जब हम डीएनए को एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डालते हैं तो मेरे पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है एक नेगेटिव मेरा डीएनए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाता है क्योंकि डीएनए खुद नेगेटिवली चार्ज है इट इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ओके एंड अब कोई भी डीएनए हो छोटा हो बड़ा हो सारे ही नेगेटिवली चार्ज होते हैं सारे ही एनोड पे जाएंगे तो सेपरेशन का क्राइटेरिया क्या होता है साइज नॉट द चार्ज कि जो छोटा फ्रेगमेंट होता है वो जल्दी भागता है बड़े से और ज्यादा दूर तक भागता है ओके नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड बिफोर मार्केटिंग इज प्रोसेसिंग तो ये तीसरा क्वेश्चन है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में कि कब होती है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग उसमें क्या क्या प्रोसेसिस यूज होते हैं ओके okay? नेक्स्ट डीएनए फ्रेगमेंट वही इसी का अप्लाइड आ गया

इलेक्ट्रोफोरे view, view सेपरेट भी कर लिया डाई से कलर भी कर दिया यूवी लाइट से देख भी लिया जब हम उसे जेल से बाहर निकालते हैं तो वो जेल से बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं टिक टिक वन टू एग्जैक्टली exactly. क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं ये मैंने सारे प्रीवियस ईयर रखे हैं एंड यू कैन सी कितना रेपिटेशन है एक ही कॉन्सेप्ट दो दो तीन तीन तरीके के क्वेश्चन है सो दिस इज आई टू टेल यू कि बायोटेक्नोलॉजी में लिमिटेड कॉन्सेप्ट है अगर आप उन लिमिटेड कॉन्सेप्ट को रिमेम्बर कर लो और पूरा चैप्टर पढ़ने का तुम्हारे पास नहीं भी टाइम है तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन अगर तुम लगा लोगे तो जितने क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे उसमें से 50 यू विल बी एबल टू सॉल्व

ये हम ह्यूमन जीनो प्रोजेक्ट में यूज करते हैं ये इकोलाई e. के लिए यूज करते हैं और रेट्रो कंपनीज विदाउट कंपनसेशन इज कॉल्ड बायो पायरेसी इन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेसिंग जीई एसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी है अप्रूवल कमिटी करेक्ट ऑर्डर ऑफ steps इन पॉलीमरेज reaction सबसे पहले डीनेचुरेशन फिर फिर एक्सटेंशन तो डी पहले आप उसको हीट करते हो दोनों डीएनए को सेपरेट करते हो फिर जो तो दोनों strands है उनमें three प्राइम एंड के सामने आप एक फाइव प्राइमर लगाते हो कोडिंग के सामने भी और नॉन कोडिंग के सामने भी और फिर दोनों को एक्सटेंड करते हो by टैक पॉलीमरेज Which of the following equipment is essentially required for growing microbes on a large scale? एक टैंक खूब सारा बैक्टीरियाक्टर तो पे भी तीन क्वेश्चन आ गए डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ ऑफ़ बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव बाय ट्रीटमेंट विथ चिल्ड इथेनॉल जिसको हमने क्या बोला था स्पूलिंग

the enzyme binds dna at specific site and cuts only one of the two strands false cuts both the strands the enzyme cut the sugar phosphate backbone at specific site yes the enzyme recognize a specific palindromic yes dono dna strands ko cut karte coding ko bhi aur non coding ko bhi what triggers the activation of prototoxin jo aapka bt hai fir se bt pe question aa gaya to bt zarur karna hai कि जो आपका बैसेलस थुरजेंसिस के अगेंस्ट हम इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाते हैं बीटी टॉक्सिन एक इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है वो इंसेक्ट की बॉडी में जाके एक्टिवेट हो जाता है इन द बेसिक पीएच ऑफ द गट और फिर वो पोर्स क्रिएट करता है इन द सेल्स ऑफ द गट और फिर उन पोर्स की वजह से पानी भर जाता है और वो सेल फट के इंसेक्ट मर जाता है सो इट इज बिकॉज ऑफ द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट Match the column. Bt cotton, Bacillus thuringiensis, adenosine deaminase, gene therapy, RNA interference tobacco, काये tobacco, cellular defense keh sakte ho PCR detection of HIV. जब हम बोलते हैं कि हमें molecular diagnosis करना है, तो उसमें फिर हम early diagnosis के लिए PCR use करते हैं. Most effective. The sequence that controls the copy number, ORI, structure of plasmid. copy number? Hai? Structure of plasmid, ORI. Selectable marker, transformant, non-transformant. Recognition site, cut lagaya Which of the following statement is not correct? The functional insulin has A and B chains linked to each other by hydrogen bonds. This is Linked to each other by disulfide bond. Genetically engineered insulin is produced in E. coli. Yes. इन मैन इंसुलिन इज प्रो इंसुलिन हमारी बॉडी में नेचुरली वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है बाद में उसकी मैचुरेशन होती है सी पॉलीपेप्टाइड रिमूव किया जाता है तो सारी बातें सही है पहला गलत है बॉन्डिंग पे दूसरा क्वेश्चन तो ये तो याद कर लो कि ह्यूमन इंसुलिन में ए बी सी चाहे ए और बी है चाहे ए बी सी तीनों डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इन साइंस दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग दे आर

तो कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं है जो हम डिस्कस करेंगे जिस पे क्वेश्चन नहीं बना या बन सकता नेक्स्ट, हमें करेक्ट ढूंढना है ये तो गलत है एक्सो न्यूक्लियस मेक कट एट स्पेसिफिक पोजिशन मेक कट एट एंड नॉट स्पेसिफिक लाइक जॉइन द टू द टू डीएनए मॉलिक्यूल

एंड स्पेशली कौन सा वाला क्राई किसको करता है क्राई वन ए सी क्राई टू ए बी कॉटन बोलवर्म के लिए ठीक है याद रहे कॉटन बोल बोल में डबल एल आता है टू टू बी क्राई टू ए बी ठीक है स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय इकोर वन पहले था कौन सी पैलेंड्रोमिक है अब आए कौन सी इकोर वन करता है जी ए ए टी टी सी

हाँ आप म्यूटेशन है या नहीं है पीसीआर करके ऑटिओ रेडियोग्राफी करके प्रोब बना के कर सकते हो ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेप इन पीसीआर सेम क्वेश्चन किसमें करेक्ट स्टेप है क्या है डिट्टो उठ के आ गया है? जैसे आपका जीए टीटीसी वाला आया था आपका डीनेचुरेशन अनिल एक्सटेंशन सो सेम क्वेश्चन अगर दो दो बार आ रहे हैं तो कितनी प्रॉबेबिलिटी है कि अगर हमने ये करीबन सत्तर क्वेश्चन करें तो इसमें से कोई तीन तो आएंगे बस फिफ्टी परसेंट काम हो गया हमारा वेन जीन इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीकेशन इज अटेम्प्टेड टू ट्रीट अ डिजीज इट इज नोन एज जीन थेरेपी ठीक है कि नहीं बायो तो वो होती है जब हम उनको पैसा नहीं देते टेस्टिंग भी हम नहीं कर रहे हम ट्रीट कर रहे हैं डिजीज को तो हम थेरेपी दे रहे हैं अगर हम उसको डायग्नोस कर रहे होते तो वो मोलिकुलर डायग्नोसिस होता है

अब रीजन पूछा है, है तो बोलते हैं इन पे repetition है तो इन दोनों में से most appropriate answer आपका क्या होगा तो अब आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछ रहे हैं रीजन पूछ रहे हैं या सीक्वेंस पूछ रहे हैं रीजन तो हो गया सैटेलाइट डीएनए बट उसने पूछा इन रीजन

नाउ डेज इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन पीसीआर से ऑटो रेडियोग्राफी से प्रोब बना के प्रोब क्या होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए जो कि रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होता है उसको प्रोब बोलते हैं जब हम उसको हाइब्रिडाइज करते हैं मान लो ये मेरा प्रोब है पेन वाला और ये नहीं है ये मेरा आइडियल है जिसको मैंने चेक करना है कि ये मेरा ठीक है कि खराब है ये मैंने एक ऑलरेडी मेरे पास जो होते हैं ना आइडियल सैंपल्स उनमें से रेडियो एक्टिवली लेबल करके बनाया अगर ये मैच हो गया और रेडियोग्राफिक पैटर्न बना तो इसका मतलब ये नॉर्मल है अगर ये मैच नहीं हुआ इसका मतलब ये म्यूटेटेड है तभी जो हमारे सब में मिलता है उसमें से ये कॉपी नहीं हो रहा उसके साथ मैच नहीं हो रहा तो म्यूटेटेड जीन रेडियोग्राफी शो नहीं करते क्योंकि जब भी मैं एक नॉर्मल बंदे के जीन को एक प्रोब के साथ कंबाइन करती हूँ तो बात को समझो प्रोब मैंने बनाया कैसे प्रो मैंने जो जीन लाइब्रेरी में नॉर्मल जीन्स होते हैं उनको कॉपी करके रेडियो एक्टिव लेबल करके बना लिया मैंने जो प्रोब है वो एक नॉर्मल जीन है और अगर मैंने जिस बंदे का जीन चेक करना है वो इसके साथ हाइब्रिडाइज करके रेडियो एक्टिविटी दिखा रहे मतलब नॉर्मल नॉर्मल आपस में जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब सही है पर अगर वो आपस में ना जुड़े इसका मतलब ये तो नॉर्मल है बट ये अब नॉर्मल है और इसलिए रेडियो एक्टिविटी शो नहीं कर रहा ये कॉन्सेप्ट होता है तो म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन रेडियोग्राफिक फिल्म ठीक है म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन रेडियोग्राफिक फिल्म क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता यहां पे भी लिखा है कि म्यूटेटेड अपियर नहीं करता बट लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री होता है बिकॉज वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता नेक्स्ट प्लाजमिट पीबीआर 332, 322 जिसका स्ट्रक्चर आपकी दिया हुआ है और स्ट्रक्चर पे ही क्वेश्चन है ठीक है तो आप आपके पास एक बैक्टीरिया था एक साइड पे टेट्रोसाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था दूसरी साइड पे एम्पेसिलीन रेजिस्टेंट जीन था देखो मैं हमेशा बोलती हूँ राइट में टी आता है तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस राइट में आता है ठीक है ना आरबीए टी है आरबीए टी है अब जो आपका एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट है वो आपका लेफ्ट साइड में होगा, अब एक ही होगा यहाँ पे आपके पास सालवन और बैम एच होते हैं यहाँ पे आपके पास पी वन और पीवी वन होते हैं जो साइड्स होती है जिनपे आप कट करोगे अब फिलहाल इस क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि मैं इसको कट करूंगा और इसमें एक फॉरेन जीन डाल दूंगा तो इसकी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगी ये काम नहीं करेगा एम्पेसिलीन रेजिस्टेंट गई तो अगर आप आप इसको एम्पेसिलीन मीडियम में ग्रो करोगे तो मर जाएगा टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करोगे तो वो तो काम कर रहा है उसमें नहीं मरेगा तो इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पेसिलीन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल ठीक है बात समझ में आती है नेक्स्ट विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मच्योर इंसुलिन सही बात है मच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड हम हटा देते हैं और हमें करेक्ट ही ढूंढनी है द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी में हम सिर्फ ए और बी पेप्टाइड बनाते हैं सी बनाते ही नहीं है क्या गड़बड़ कर दी हमने सी पेप्टॉट प्रेजेंट सही बात है तो चूज कौन कौन सी सही है ए सही है सी सही है डी सही है तो पहला ऑप्शन सही है ठीक है अस्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाई to cut at specific position is known as palindromic sequence.

क्योंकि वो बार बार आपस में चिपकते रहेंगे तो फिर हम उनको कॉपी नहीं कर पाएंगे फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज अर्ली डायग्नोसिस इज इंपॉर्टेंट तो अर्ली डायग्नोसिक में हम कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं तो हम बोलते हैं अलिसा अर्ली डायग्नोसिस है एंटीजन एंटी बाइंडिंग पीसीआर अर्ली डायग्नोसिस है ठीक anti है थीके? तो विच इज एन अर्ली डायग्नोसिस टेक्निक एलिसा इज अ अर्ली डायग्नोस्टिक टेक्निक सर्दर्न ब्लॉटिंग वेस्टर्न ब्लॉटिंग से कुछ नहीं होगा

दोनों बातें सही हैं, पर दोनों एक दूसरे से कहीं पर भी रिलेटेड नहीं है कि अगर मैं पीसीआर के लिए एम्प्लीफिकेशन यूज करती हूँ तो हाँ करती हूँ अगर मैं एम्पेसिलीन रेजिस्टेंट जीन एक सिलेक्टेबल मार्कर जो कि मुझे ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के लिए यूज करती हूँ हाँ करती हूँ बट दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं है ठीक है ना तो जब दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं है तो हम बोलेंगे क्या

चले आई होप नाउ इट इज क्लियर कि वेन यू सी अशन रीजन तो आप उसको दो बार पढ़ो उसको सोचो कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है नहीं है तो एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक सातवां आठवां क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल इज इल्यूजन आ गया जी सही बात है

एक को हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग बोलते हैं दूसरे को हम सीक्वेंस एनोटेशन बोलते हैं ठीक फंक्शन है? है है, है? बताने के लिए हम उसको किसी और की बॉडी में डाल के उसका फंक्शन स्टडी करते हैं जिसको सीक्वेंस एनोटेशन बोलते हैं सो so ये जो मेथोडोलॉजी है टू स्टडी दैट्स कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन

तो एडीए डेफिशिएंसी वाला यहाँ पे कुछ नहीं है जीन सीक्वेंसिंग में भी हम यूज नहीं कर सकते हाँ एम आर एन ए साइलेंसिंग या जीन साइलेंसिंग में हम उनको यूज कर सकते हैं ठीक है डीएनए सीक्वेंसिंग जीन साइलेंसिंग साइलेंसिंग दोनों में से किसी एक को करना है सो डोंट रश पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में तो हम उसको नहीं करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी में भी नहीं करेंगे या तो होना चाहिए था एमआरएनए साइलेंसिंग अब यहाँ पे आगे जीन सीक्वेंसिंग दोनों में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा तो यू चूज नाउ अब हमेशा ऐसा ही होता है कि चार में से दो हम निकाल देते हैं दो हमारे रह जाते हैं ठीक है वेन यू आर एट द पेपर कंफ्यूजन क्या मार्क करूं यार जीन साइलेंसिंग मार्क करूं जीन सीक्वेंसिंग मार्क करूं जीन का मतलब डीएनए तो क्या ये डीएनए को साइलेंस करता है नहीं ट्रांसपोजॉन्स जंपिंग जीन्स आरएनए को साइलेंस कर सकते हैं डीएनए को तो नहीं करेंगे तो जीन साइलेंसिंग तो गलत हो जाएगा अब बात आती है जीन सिक्वेंसिंग की क्या हम ट्रांसपोजॉन्स को कहीं पर भी जीन सिक्वेंसिंग में यूज कर सकते हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि ये म्यूटाजेंस की तरह यूज करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं क्या हम इनको अलग अलग जगह पे काट के एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग बना सकते हैं हाँ क्योंकि ये जंप कर सकते हैं तो अलग अलग जगह पे काट के हम वेक्टर से इसको ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं तो हमें ये एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में यूज हो सकते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में भी है तो डीएनए साइलेंसिंग नहीं करेंगे आरएनए साइलेंसिंग करेंगे तो उससे बेटर आंसर हो जाएगा जीन सीक्वेंसिंग इस तरीके से फिर से आ गया कि ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस सेम क्वेश्चन तीसरी बार जी ए ए टी टी सी ठीक है नेक्स्ट इन जीन थेरेपी द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स वाई बिकॉज द रेट्रोवाइर इज इंट्रोड्यूस इन टू दीज लिम्फोसाइट्स तो उससे बार बार करने का क्या मतलब है जीन आइसोलेटेड फ्रॉम सेल प्रोड्यूस एज इंट्रोड्यूस इन एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम डाल नहीं सकते अभी तक हमने डाला ही नहीं है लिम्फोसाइड्स फ्रॉम पेशेंट ब्लड आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइड्स आर नॉट इमोटेंट देखो ये बात सही है ये बात भी सही है बट उसका बार बार इन्फ्यूजन करने से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बात सही है बट इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई अगेन एंड अगेन हैव हैव टू टू डू डू इट इट दिस अगेन अगेन एंड बिकॉज वो थोड़े दिन बाद मर जाता है क्योंकि वो हमेशा जिंदा रहने वाला नहीं है कि एक बार कर दिया और हो गया काम वो मर जाता है फिर दोबारा करना पड़ेगा फिर वो मर जाएगा फिर दोबारा करना पड़ेगा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि क्यों पीरियडिक इन्फ्यूजन करनी चाहिए इस तरीके से आंसर को ढूंढें

फिर इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज नॉट रियली हार्मोन इंसुलिन कन्वर्टिंगल हॉर्मोन ट्रू समिक रिएक्शन टू द फॉर्मल इंसुलिन ट्रू तो इसमें से हमें क्या बनाते हैं विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन सारी बातें करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू जेनेटिकली इंजीनियर इंसुल एक्सेप्ट सी एक्सेप्ट बी सी को छोड़ के सारी सही है तो ए बी डी सी डी ई ओनली सी तो बिल्कुल भी नहीं तो ए बी डी मैंने यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत लिखे हैं आई होप द क्वेश्चन इज द सेम जो हमारे प्रीवियस में आया हुआ है पिछले साल का ये तो है, है ना आई डोंट रिमेम्बर कि क्या क्या ऑप्शन थे कैन यू हेल्प मी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैंने कोई एक ऑप्शन गलत टाइप कर दिया हुआ है चेक कर ले 2022 के पेपर से ये तो अभी पिछले साल का ही है यहीं पे पड़ा हुआ है मेरे पास वेट आई थिंक आई हैव मेस्ड अप विद वन ऑफ द ऑप्शंस क्योंकि उसमें तो आंसर ऑप्शंस के उस था तो 2022 का पेपर क्वेश्चन एटी सेवन ही होगा उसमें भी ई होप नाव बाई फार यू हैव अंडरस्टोड कि हमें ह्यूमन इंसुलिन नहीं छोड़ना है बीटी नहीं छोड़ना है पीसीआर नहीं छोड़ना है इलेक्ट्रोफरेसिस नहीं छोड़ना है सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं चार टॉपिक्स में से आते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला पीसीआर वाला एंड आप कह सकते हो रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस में पांच टॉपिक ऐसे है आपके जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ठीक है थीके? देखो नहीं भाई कहूँ या तो मैं गलत सोच रहा हूँ या क्वेश्चन गलत बोल रहा है देखो दिस इज हाउ यू गो रॉन्ग हमें लगता है हम तो सही बोल रहे हैं क्वेश्चन ही गलत है थॉट प्रोसेस ही ऐसा है कि हमने तो जो सोच लिया वो हंड्रेड परसेंट सही है क्वेश्चन बनाने वाला बेवकूफ है फिर भूल गए कि यहाँ पे लिखा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन प्रो हॉर्मोन तो नेचुरल इंसुलिन में होता है

आर्टिफिशियल के बारे में तो यही बात सही है तो बिल्कुल यही सही है अगेन छोटी सी बात थी कि कौन सी बात जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए सही है हमने जनरल इंसुलिन के लिए ले ली चाहे वो आर्टिफिशियल है चाहे वो नेचुरल है सब उसके लिए लागू हो जा रही थी तो सारी बातें सही लग रही थी सिवाय सीखे कि यार नेचुरल इंसुलिन उसमें से तो नहीं आती बट बात कहाँ पे अटकी हमारी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के सो दिस इज वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि वेन यू लुक एट अ क्वेश्चन एंड यू मार्केट वाई डू वी गो रॉन्ग ऐसा नहीं है कि हमें वो कॉन्सेप्ट आता नहीं है या ऐसा भी नहीं कि हमने उसको पढ़ा नहीं है या ऐसा भी नहीं कि हमने सोल्व नहीं किया बट आपके दिमाग में उस टाइम पर क्या चल रहा है उस पर डिपेंड करता है और कई बार क्या होता है कि आप इतनी देर हो जाती है आपको प्रीवियस ईयर सोल्व कर याद नहीं रहता ठीक है अब हो गया साल ये क्वेश्चन सॉल्व करे हुए तो याद भी नहीं था कि उसके क्या ऑप्शन है तो इसलिए ये भी याद नहीं आ रहा था कि यार ये वाला तो आंसर ऐसा वाला तो नहीं था ये याद था पर हंड्रेड परसेंट नहीं पता था कि क्या गड़बड़ है सो यू हैव टू रिवाइज थिंग्स सो दैट स्टे इन योर हेड अगर आई गई बात हो जाती इतने टाइम हो जाते वो याद ही नहीं रहता हमने क्या किया था तो प्रीवियस ईयर से कॉन्सेप्ट बनाना है और याद रखना है कि आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है प्रो इंसुल नेचुरल है आर्टिफिशियल में सिर्फ ए और बी है तो फैक्ट जो याद रखना है वो ये है पॉइंट जो नोट करना है कि किसके लिए पूछा गया है नेचुरल के लिए कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड के लिए और एलर्जी किस-किस से होती है ठीक है यही आखिरी क्वेश्चन था बिकॉज़ ये तो 2022 का था तो शुरू से लेके एंड तक हमने यही क्वेश्चंस रखे हुए थे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2012 से और फिर स्टार्ट अरे मैं अटक गई तुमने मुझे बताया ओके नाउ एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल मैं इतनी देर से अटकी हूं तुमने मुझे बताया कि नहीं मैंने देखा ही नहीं चले सो आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट Of what kind of questions come from biotechnology? I'm going to give you the review of which topics to read minimum from biotechnology in Rapid Revision Telegram.

Bye have a